नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस वीडियो के चैनल पर। दोस्तों, जो हमारे पास टॉपिक है वो है वीटो को लेकर और डबल वीटो को लेकर। तो सबसे पहले हम वीटो को देखेंगे। दोस्तों, वीटो क्या होता है? तो वीटो जो वर्ड है दोस्तों, ये लैटिन में भी मिल जाता है हमें, और ये वर्ड जो है इंग्लिश की डिक्शनरी में भी देखने को मिल जाता है। अगर लैटिन में देखें इसे तो दोस्तों, इसका मतलब होता है आई प्रोटेस्ट, ठीक है ना, जैसे मैं विरोध करता हूँ। आर्टिकल 27 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, जो आर्टिकल 27 है उसमें जो प्रोविज़न है वीटो से लेकर वो रखी गई है, पर आर्टिकल 27 में आपको वीटो वर्ड का उपयोग कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सिंपली समझा जाए तो वीटो का मतलब है कि एक पावर जो दी गई है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको दी गई है, टू रिफ्यूज़ टू एग्री, यानी कि रिफ्यूज़ करना कि मैं आपके साथ सहमत हूँ, या सिंपल शब्दों में कहा जाए कि असहमति जाहिर करना कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। किस चीज़ के लिए? नॉन प्रोसीजरल मैटर के लिए, जहाँ जिन्हें सब्सटेंशियल मैटर भी कहा जाता है या ऑल अदर मैटर्स भी कहा जाता है। और ये जो डिसएग्रीमेंट है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रपोजल है उसको डिफीट किया जा सके या उसको पारित होने से रोका जा सके। अगर दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो वो फिर वीटो नहीं होगा। वीटो का मतलब है आना, बैठक में पार्टिसिपेशन करना, और ये कहना कि आई वीटो द मैटर, यानी कि मैं इस मैटर पे अपनी वीटो पावर यूज़ करता हूँ। अगर आप उस बैठक में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने वीटो यूज़ की है। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 27, जो यूएन का चार्टर है, इसका दोस्तों क्लॉज 2 जो है उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी डिसीजन होंगे अगर वो प्रोसीजरल मैटर पर होते हैं तो वो बाइंडिंग तब होंगे जब सिक्योरिटी काउंसिल के 9 वोट उसके पक्ष में होंगे, यानी 9 वोट उसके पक्ष में होंगे, 15 वोट होंगे टोटल। ये तो हो गया दोस्तों प्रोसीजरल मैटर में। अब आर्टिकल 27 और क्लॉज 3 जो कहता है उसका, वो कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी डिसीजन होंगे ऑल अदर मैटर्स, बाकी सारी मैटर्स को लेकर, यानी कि प्रोसीजरल को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी मैटर्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें भी 9 जो वोट हैं वो होने चाहिए आउट ऑफ 15, और उन 9 में भी 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनके कनकरिंग वोट का होना जरूरी है, यानी कि उनकी सहमति का होना जरूरी है, तभी अगर वो ऑल अदर मैटर्स पर किसी तरह का कोई प्रपोजल है तो उसको बाइंडिंग किया जा सकता है या उसको इफेक्टिव किया जा सकता है, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगा। यानी कि सीधा सीधा मैं इस बात को कहूँ तो प्रोसीजरल मैटर पर सिर्फ 9 वोट हैं और उसमें कोई भी मेंबर हो, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो नॉन परमानेंट हो, जब बारी आती है ऑल अदर मैटर्स की, जिसको सब्सटेंशियल भी मैटर कहा जाता है, तो फिर उसमें फिर 9 ही चाहिए वोट, उसमें 9 ही चाहिए, पर उसमें जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनके वोट जो हैं वो सहमति के होने चाहिए, यानी कि वहाँ पर वीटो नहीं होना चाहिए। अगर वीटो होगा तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये है दोस्तों कहानी वीटो की। अब चलते हैं दोस्तों डबल वीटो। जैसे कि मैंने कहा कि आर्टिकल 27 क्लॉज 2 के अंडर प्रोसीजरल मैटर, आर्टिकल 27 क्लॉज 3 के अंडर ऑल अदर या सब्सटेंशियल मैटर। अब दोस्तों जो डबल वीटो है वो इसी सिचुएशन में यूज़ होती है जब ये डिसाइड करना हो कि भाई मैटर प्रोसीजरल है या सब्सटेंशियल है या ऑल अदर मैटर है, यानी कि या तो मैटर प्रोसीजरल होगा या वो ऑल अदर मैटर या सब्सटेंशियल, जैसे दोनों में से कोई एक होगा। अब इस चीज़ को डिसाइड करना पड़ता है कई बार। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन होता है उसके पास ही पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है। अब इसमें भी सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन ने डिसाइड किया कि मैटर जो है वो प्रोसीजरल है। अब इस पे भी सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको राइट है कि वो वीटो का उपयोग करें, और अगर उसने सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन के इस डिसीजन पर वीटो कर दी तो फिर मैटर हो जाता है सब्सटेंशियल या ऑल अदर मैटर में चला जाता है। याद रखिए, प्रोसीजरल से सब्सटेंशियल चला गया। अब एक सिचुएशन ये हो गई, दूसरी सिचुएशन यानी कि मैटर को उसने प्रोसीजरल से सब्सटेंशियल बना लिया। अब जब सब्सटेंशियल मैटर डिस्कस होगा
तो उस पर भी अगर वो चाहे तो, या वो चाहे या कोई और मेंबर चाहे परमानेंट, तो वो वीटो कर सकते हैं। ये हो गया डबल वीटो। सिंपली समझाऊं तो पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैटर प्रोसीजरल है कि सब्सटेंशियल है। अगर वो प्रोसीजरल डिक्लेयर कर दिया जाता है चेयरमैन के द्वारा, तो फिर क्या करते हैं आप वहाँ पर, आप उस पर वीटो कर देते हैं। और जब वो वीटो हो जाती है तो मैटर बन जाता है सब्सटेंशियल। अब सब्सटेंशियल मैटर पर फिर डिस्कशन होगी। और अगर आप या आप में से कोई पांच में से कोई एक चाहता है कि भाई यहाँ पर दोबारा वीटो करनी है, तो वो फिर से वीटो कर सकता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों डबल वीटो। याद रखिएगा, वीटो की जो पावर है वो सिर्फ जो सब्सटेंशियल मैटर है या ऑल अदर मैटर्स उन पर ही मिलती है। ठीक है, तो ये है दोस्तों वीटो और डबल वीटो का कंसेप्ट।